नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आज हम दो बड़ी न्यूज लाए हैं। जी हाँ, सैलरी कब मिलने वाली है आज हम आपको बताने वाले हैं इस न्यूज में कि आपको सैलरी जो है कब मिलेगी, किस तारीख में मिलने वाली है। ये न्यूज बहुत ख़ास है आप लोगों के लिए, तो हम दो न्यूज लाए हैं। एक है कंसेशन इन FTTH कनेक्शन। जी हाँ, जो रिटायर्ड एम्प्लॉय है और वर्किंग एम्प्लॉय है उनको FTTH कनेक्शन मिलने वाला है, उसमें कितना छूट मिलेगा। और दूसरी न्यूज़ में लाया हूँ सैलरी। जी हाँ, मई की सैलरी कब आने वाली है। तो आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था कि सैलरी कब आने वाली है, तो दोस्तों आज हम सैलरी न्यूज़ भी लाए हैं। तो पहला न्यूज हम बताते हैं, FTTH कनेक्शन जो है वर्किंग और रिटायर्ड एम्प्लॉय को जो मिलेगी उसमें क्या छूट मिलने वाला है। सो फॉर द BSNL मैनेजमेंट हैज़ नॉट प्रोवाइड एनी कंसेशन टू द सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉय इन FTTH सर्विस इन द ब्रॉडबैंड सर्विस। 60% कंसेशन विथ ए मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹300 वाज गिवेन। हैंस BSNL हैज डिमांड दैट द सर्विंग एंड रिटायर्ड एम्प्लॉय शुड बी प्रोवाइड 50% कंसेशन इन FTTH कनेक्शन विदाउट एनी स्लिप। जी नमस्कार दोस्तों, क्या आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पे टेलीकॉम न्यूज़ लिखा हुआ है, इसके बगल में ये देखिए सब्सक्राइब लिखा हुआ है, बस इस पर एक क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आपको एक क्लिक कर देना है, क्लिक करते ही सब्सक्राइब हो जाएगा मेरा चैनल। दोस्तों आपसे अनुरोध है, बस एक क्लिक करके आप सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। रिटायर्ड और वर्किंग एम्प्लॉय है उनको 50% छूट पे FTTH कनेक्शन मिलना चाहिए। तो जी हाँ दोस्तों, शुड बी प्रोवाइड 50 विदाउट एनी सिलिंग। जी हाँ, बिना किसी सिलिंग के। तो और आगे चलते हैं, दिस डिमांड इज़ लाइकली टू बी कंसिडर्ड बाय द मैनेजमेंट कमेटी सून। जी हाँ, BSNL कमेटी जो है बहुत जल्द इस डिमांड पे विचार करने वाला है। तो उम्मीद है कि यह बहुत जल्द हम लोगों के बीच आने वाला है, FTTH कनेक्शन 50% छूट के साथ। तो दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी बिग न्यूज लाया हूँ मैं सैलरी के बारे में। आप लोगों का बहुत सारा डिमांड था, उसी डिमांड के अनुरूप मैंने आज सैलरी की न्यूज़ के बारे में लाया हूँ। तो दोस्तों आपसे आग्रह है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे एक विनती है, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, सैलरी के बारे में बताने वाला हूँ मैं आज। मई वेतन का वितरण, जी हाँ, जनरल सेक्रेटरी ने CMD से बात की है। जी हाँ, सैलरी के बारे में जनरल सेक्रेटरी जो है वो CMD से बात किया है कि चलिए क्या है न्यूज़ में आगे, क्या किस तरह की बात हुई है, कब तक मिलने वाली उम्मीद है। हमेशा की तरह मई 2021 माह के वेतन वितरण में देरी हो रही है। कॉम्पी अभिमन्यु GS ने कल BSNL के CMD श्री PK पुरवार से बात की और अविलंब मई वेतन वितरित करने का अनुरोध किया। जी हाँ, CMD से बात किया है GS कॉम्पी अभिमन्यु और अविलंब वेतन वितरित करने का अनुरोध किया है। हालांकि CMD BSNL ने इस संबंध में कोई प्रतिबद्धता नहीं दी है। जी हाँ, इस संबंध में कोई भी कमिटमेंट नहीं किया है, कोई भी जानकारी नहीं दी है कि आपको कब तक सैलरी मिल जाएगी। AVAU की बैठक इस सप्ताह की समाप्ति पर हो रही है और बैठक में इस मुद्दे पर प्रमुखता से चर्चा करने और इस पर फैसला होने की उम्मीद है। जी हाँ, आयोग की एक बैठक होने वाली है और इस बैठक में इस पे प्रमुखता से चर्चा की जाएगी। उम्मीद है कुछ फैसला ज़रूर आएगी। तो हालांकि 25 तारीख के इधर आप लोगों का सैलरी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। आप ये मान के चलिए कि 25 तारीख के बाद ही आप लोग का सैलरी मिल सकता है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, ये जानकारी अच्छा लगा है, तो आपसे रिक्वेस्ट है
मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।